अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी सरफरोश चैनल। यहाँ पे आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। जब पूरा देश सांप्रदायिक दंगों से, सांप्रदायिक सोचों से बहक रहा है, जल रहा है, तो वहीं पे हमारे पास कोई एक ऐसी मिसाल होनी चाहिए जिसको हम कहकर कहें, देकर कहें कि ये देखो, ये है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जहाँ पे सब एकता और कौमी एकता के साथ रहते। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी हरियाणा मेवात से के नूह से, जहाँ पर आप मैं कोई भी इस खबर से गैर वाकिफ नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है, कितने लोग मरे थे। वहीं कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी मणिपुर से कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे लोग मरे। इन सब से ना हमारा दिमाग बहुत थक चुका था। हमें लगने लगा कि बस अब तो देश में लगता है आग ही आग होनी है। फिर एक न्यूज़ आती है हमारे सोहना गुरुग्राम से, जहाँ पे हमारे सिख भाइयों ने जब वहाँ पे आतंकी संगठन बजरंग दल और आतंकी संगठन जिसे बजरंग दल जब एक मस्जिद को तोड़ने आई, तो ये न्यूज़ आ रही है हमारे गुरुग्राम के सोहना से, जहाँ पे सिख भाइयों ने आतंकी संगठन बजरंग दल और पुलिस से बचाई मुसलमानों की जान। इलाके की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक शाही जामा मस्जिद पर हुए हमले में इमाम कलीम काशफी और उनके परिवार को बचाने सिख समुदाय के लोग आगे आए। ये होती है कौमी एकता की मिसाल, जहाँ एक तरफ कुछ सांप्रदायिक लोग हैं, दूसरे सांप्रदायिक लोगों को जलाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, देश से भगाना चाहते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर एक कौम को दूसरे कौम से बचाना चाहते हैं।